हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ में दोस्तों संडे को दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुबह 12 बजे आप लोगों के लिए आने वाला है एक जबरदस्त सरप्राइज। बायोलॉजी क्वीन दोस्तों, जिनके जो कि बहुत ही फेमस है बायोलॉजी के लिए, साइंस के लिए दोस्तों, बेसिकली जो पूरे देश में जानी जाती है, वो आप लोगों को पढ़ाने दोस्तों वाईफाई सिटी के ऊपर आने वाली है। तो उनके बारे में बात करेंगे संडे यानी कि कल सुबह 12 बजे, तो क्लास में आना मत भूलिएगा। आज का गुड ऑफ द डे है जो कि रिदम गैलेक्सी के द्वारा भेजा गया है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कम्फर्ट जोन। बिल्कुल सच बात है, सुबह 5 बजे उठाना दोस्तों सबकी बस की बात नहीं होती है ना। आप लोग जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, 200 300 लोग, 500 लोग, 700 लोग, ये बहुत मुश्किल बात होती है। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप से लड़कर झगड़कर जब हम लोग कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं ना, वही रियल जीत होती है। पहली जीत वही होती है जब आप अपने आप को कॉन्कर करना सीख लेते हो। कंफर्ट जोन में मन हमेशा हमारा कंफर्ट जोन की तरफ जाएगा, लेकिन यही वक्त होता है जब उसको जो है एक डायरेक्शन में लेके आना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने एफर्ट्स लगाएंगे और यही एफर्ट होंगे जो कि लाइफ में आपको आगे लेके जाएंगे। ओके, इसके अलावा दोस्तों मंडे से इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है। ज्वाइन कर लेना एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 450 रुपए पर मंथ में। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी सारी क्लासेस मिल जाएगी। यूपीएससी में भी 1.5 साल का कोर्स चल रहा है करंट अफेयर का, ज्वाइन कर लीजिएगा प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के लिए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी आप BHU 10 या भुवनेश्वर लगा के कर सकते हैं अकेडमी पे। 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। 3 मंथ चैलेंज की बात करें तो आज स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ेंगे सुबह 10 बजे। फर्स्ट टॉपिक है UNO के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 11 बजे क्वेश्चन भी करेंगे, तो फ्री क्लास है सभी बच्चों के लिए, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल स्टॉकपाइल जो इबोला वैक्सीन की करी जा रही है, स्विट्जरलैंड में दोस्तों किया जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, IFRC, ये सभी मिलकर दोस्तों इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो है वो स्टोरेज करने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं। इबोला की बात करें तो इबोला वायरल डिजीज, जिसको पहले इबोला हेमोरेज फीवर भी कहते हैं, बहुत ही फैटल इलनेस है ह्यूमन के अंदर और वाइल्ड एनिमल से दोस्तों स्प्रेड होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसमिशन होता है। और इसमें मरने की रेट देखिए 50%। अभी COVID-19 जो था, इसकी अगर मैं फिटेलिटी रेट की बात करूं तो 1 से 2% थी मात्र। यहाँ पे देखिए इबोला का 50%, मतलब कितनी बड़ी बात है। और कई जगह तो 90% तक देखने को मिला है। ओके, और हमने कम्युनिटी एंगेजमेंट की वजह से इसको कई जगह पे कंट्रोल कर लिया गया है। रीहाइड्रेशन करना, सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट से इंप्रूव है जो कि किया जा सकता है। अभी तक ऐसा कोई लाइसेंस ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर सके, लेकिन कुछ एक थेरेपीज के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, 2015 के अंदर गिनिया का काफी ट्रायल भी है दोस्तों जो कि वैक्सीन का किया गया था, तो वही है मतलब जो कि अभी थोड़ा बहुत यूजफुल है तो उसको काम में लिया जा रहा है। ठीक है, तो सुडान, कॉन्गो, लीबिया, यहाँ पे दोस्तों ये देखने को मिला था। सबसे पहले 1976 में इबोला वायरस जो है वो कॉन्गो के वहां पे दोस्तों देखने को मिला था। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है ब्लड के साथ, सीक्रेशन होना इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट होना, तो वहां से ये दोस्तों फैल जाता है। ठीक है गाइस, हेडेक, फीवर, ज्वाइंट मसल पेन करना, वीकनेस, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कल इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो आपको 9:45 पे दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि 15 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन दोस्तों हमारे करियप्पा जी जो है हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ है जो कि बने थे, और बूचर से दोस्तों उन्होंने ये उपाधि है जो कि ली थी, जो कि लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे 1949 के अंदर। आज तक फील्ड मार्शल 2 ही लोग बने, एक तो अपना मानेकशॉ जी सबसे पहले और सेकेंड करियप्पा जी। ओके, चलिए, हाल ही में भारतीय सेना ने स्विच के मानव रहित हवाई विमानों के उच्च ऊंचाई वाले संस्करण की खरीद के लिए डैश के साथ में अनुबंध पर हस्ताक्षर करे हैं। इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट जो स्विच UAV के ना वो हम ले सकें।
तो यूएवी हम लोग काम लेंगे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, और ये आइडिया फोर्स से दोस्तों लिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, मुंबई बेस्ड एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में मिलकर दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है 20 मिलियन USD का। ठीक है, मोदी जी ने स्टार्टअप के साथ बातचीत करेंगे और डैश के नाम के स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित करेंगे। तो इंडिया इंटरनेशनल समिट जो स्टार्टअप के लिए किया गया उसका नाम है प्रारंभ, सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके गाइज, ऋण समाधान योजना किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, कहां पे करी गई है, कहां पे करी गई है, तो ये करी गई है आपके महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों फार्मर को मेजर रिलीफ देते हुए लोन सेटलमेंट स्कीम है जो कि लॉन्च करी है महाराष्ट्र के अंदर, ऋण समाधान योजना उसका दोस्तों नाम है। ठीक है गाइस, जो भी इन लोन ने लिया हुआ है SBI ब्रांच से कॉन्टेक्ट करके इसका बेनिफिट है जो कि उठा सकते हैं। 20% प्रिंसिपल अमाउंट जो इसका ड्यूज है 2 साल से वो उनको वेव ऑफ है जो कि कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें, भगत सिंह जी गवर्नर, उद्धव ठाकरे जी सीएम, 288 विधानसभा, 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा की सीटें हैं। सबसे अमीर राज्य है मराठा, जहाँ पे रूल किया करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दोस्तों आपको मालूम है विक्टोरिया टर्मिनस था पहले, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सेकंड मोस्ट पॉपुलर सब नेशनल एंटिटी है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट पुणे को, और वाइन कैपिटल हम लोग नागपुर को दोस्तों कहते हैं। यहाँ पे नवेगांव, पंत, संजय गांधी, तडोबा, चंदोली, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में तिरुवल्लुवर दिवस है दोस्तों जो कि मनाया, तो ये जो दिवस मनाया गया है ये कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों जो कि इसको मनाया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, तमिलनाडु की बात करें, बनवारीलाल पुरोहित दोस्तों गवर्नर है, पलानी स्वामी जी आप सीएम, 39 विधानसभा, 18 लोकसभा की सीटें हैं, और अभी एक डिस्ट्रिक्ट भी रिसेंटली एड ऑन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशु कनुमा त्योहार मना रहा है, कनुमा कनुमा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों ये तेलंगाना के अंदर। ठीक है गाइज, फेस्टिवल ऑफ कैटल है दोस्तों जो कि इसको माना जाता है। ठीक है, लोग जो है क्या करते हैं अपने गायों को बाकी सबको पूछते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ये सब किया जाता है। तेलंगाना की बात करें, तमिलीसाई गवर्नर, राव साहब सीएम, 119 विधानसभा, 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा की सीटें हैं, हैदराबाद यहाँ पे कैपिटल है, 2014 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, KBR, मुरुगानी, महावीर हरिणा, केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो मंकियों के लिए वो यहीं पे बनाया गया। तेलंगाना का फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट है, वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट, पर्पस प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया गया। और ठीक है, TRS के बहुत ही सीनियर मेंबर थे नरसिम्हा रेजी, उनकी भी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई। 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्री है जयशंकर ने प्रदीप कुमार ग्यावली के साथ बातचीत करी। ग्यावली जी देश के विदेश मंत्री है, तो ये ग्यावली जी दोस्तों कहाँ के विदेश मंत्री है, नेपाल के विदेश मंत्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उनके साथ में मीटिंग है दोस्तों जो कि अभी करी गई। नेपाल की बात करें, काठमांडू यहाँ पे कैपिटल है, और चीफ जस्टिस यहाँ पे राणा जी है, नेपाली रूपी चलता है, ओली जी अभी दोस्तों यहाँ से हट गए हैं, विद्या देवी भंडारी अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट है। भारत की पहली स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्टल को भारतीय सेना और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मशीन पिस्टल को डैश के रूप में नामित किया गया है, तो 9 mm की मशीन पिस्टल है दोस्तों जो कि डेवलप करी गई है DRDO इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसका नाम है असमी। सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्वीट करके जानकारी प्रकाश जी के द्वारा दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोरोना वायरस के संयोजन के लिए डैश की योजना की घोषणा करी है। तो एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि बाइडेन के द्वारा किया गया, 1.9 ट्रिलियन डॉलर का अनाउंसमेंट है जो कि दोस्तों यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं हमारी GDP मतलब 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, और ये 1.9 का तो भाई साहब अनाउंसमेंट करके चले गए, मतलब कितनी बड़ी बात है। ठीक है चलिए, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में मुख्य अतिथि कौन होगा, तो पहले जॉनसन आने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए, उसके बाद में आपको मालूम है दोस्तों सूरीनेम के हेड आने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए, तो अभी डी आंसर हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों कोई भी फॉरेन लीडर इस बार नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है, सूरीनेम के जो इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट थे दोस्तों संतोषी जी, उनको बनाने की बात करी जा रही थी लेकिन वो भी अभी नहीं आ पाए। मतलब हाल ही में नीति आयोग ने डैश के साथ भागीदारी करके महिला उद्यमिता मंच को फिर से शुरू किया, तो किसके साथ में भागीदारी करी गई है, फ्लिपकार्ट के साथ में भागीदारी है दोस्तों जो कि रिवैम्प करने को लेकर करी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे ने इस्तीफा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इस्तीफा दिया गया है वो दिया गया है दुष्यंत दुबे के द्वारा, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के NTPC के सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन इकास द्वारा बनाया गया था,
तो इनकास द्वारा जो बनाया गया था वो आपका माचू पिचू है दोस्तों, पेरू के अंदर, सदर्न पेरू के अंदर वो यहाँ पे बनाया गया था। ये देखिए काफी हाइट के ऊपर है, 2-3 हजार मीटर पे। आम आदमी पार्टी किस वर्ष में बनी थी? तो ये बनी थी 2012 के अंदर, ठीक है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सीनियर लीडर है, सौरभ भारद्वाज स्पोक पर्सन है, भगवंत मान लोकसभा लीडर, राज्यसभा के संजय सिंह फाउंडर केजरीवाल और अदर्स, 2012 में बनी, दिल्ली में हेडक्वार्टर, ठीक है। और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चम्मच जो मुड़ा हुआ दिखता है वह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यार ये मुड़ा हुआ जो दिखता है ये आपके रिफ्रैक्शन का उदाहरण है, ठीक है। ये देखिए टूटा हुआ दिखता है ना यहाँ से। रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी? रेडियो एक्टिविटी की जो खोज करी गई है वो बैकरेल के द्वारा दोस्तों करी गई है, हेनरी बैकरेल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला 1903 के अंदर। किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है दोस्तों जो कि ये एडवाइस करी? तो ये आपके थे डलहौजी साहब, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 1952 के अंदर गवर्नर जनरल थे। 1980 में ऑल इंडिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो पहले खिलाड़ी ऑल इंडिया जो इंग्लैंड चैंपियनशिप जो जीती गई थी वो प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के फादर है, उनके द्वारा दोस्तों इसको जीता गया था। करों के लिए कटौती के बाद किस व्यक्ति के पास उपलब्ध आय क्या होती है? टैक्स कटने के बाद जो बचती है दोस्तों उसको डिस्पोजेबल इनकम है दोस्तों जो कि कहते हैं, ठीक है गाइस। ग्रॉस इनकम में आपके टैक्सेस और डिडक्शन कर दिए जाते हैं। 76 में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था दोस्तों क्रे वन करके, बी आपका सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ में किस राजवंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ की बात करें गाइस तो चित्तौड़गढ़ की सिसोदिया है दोस्तों जो कि यहाँ पे हुआ करते थे वैसे डायनेस्टी, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है वैसे, ठीक है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया चित्रानंद मौर्य जी के, जो कि मौर्य डायनेस्टी के माने जाते थे 7th सेंचुरी में। बाद में बप्पा रावल दोस्तों जो कि फाउंडर थे मेवाड़ डायनेस्टी के, चित्तौड़गढ़ वो उसको कैपिटल बनाया गया। और चित्तौड़गढ़ आपको मालूम है फोर्ट एशिया का, इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, बहुत ही बड़ा फोर्ट है, मतलब 3 बार इसके ऊपर अटैक हुआ, एक बार अकबर ने किया, एक बार बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने किया, और एक बार आपके खिलजी ने किया। 3 बार अटैक किया हुआ है इसको, और बहुत ही ब्रेवरी से यहाँ पे जो है इसको डिफेंड किया गया बहुत बार, मतलब, ठीक है। चलिए फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो फ्री स्टाइल होता है आपका स्विमिंग से संबंधित, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। हाल ही में सदर जापरोव ने डैश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है गाइस। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।